हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने इस एनिमे का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, पहले उसे जाकर देख लीजिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले एक वार हुआ था जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म होने लग रही थी। तभी वहां एक लेजेंडरी एस हीरो की ग्रुप आकर इस दुनिया को दबा होने से बचा लिया था। उसके बाद वो हीरो जैसे इस दुनिया से गायब हो गए। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां लिस ने हैना को हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था। बाकी सोल्जर वो एक लेजेंडरी एस से बोल के उसे बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। डेबी उनको शांत करते हुए बोलता है कि ये अपने आप को लेजेंडरी ऐसे बोल के हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी तीनों सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर लीच वहाँ से गायब हो जाता है और वो तीनों सोल्जर को अपने फुट से चलने की ओर आसे चलते हुए उन्हें दीवार में देकर मारता है। तभी लीच काफी ज्यादा स्पीड से डेबी के इधर उधर घूमने लगता है। डेबी उसके स्पीड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो तो उसे देख भी नहीं पा रहा था। तभी लीच डेबी के पीछे आ जाता है। लीच ने अपने पैर को जमीन में रखते ही डेबी दीवार में जाकर टकरा जाता है। लीच जितना चल के उसकी ओर आगे बढ़ रहा था उतना ही अटैक डेबी को लगातार लग रही थी। लीच अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है जिसे डेबी डिफेंस करते हुए उसके शॉट को रोक रहा था। उस वजह से वहाँ से बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लोजन हो जाता है। नैना भी उस एक्सप्लोजन को देख लेती है। नैना का ओल्ड कस्टमर पूछता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। नैना को भी लीच के लेजेंडरी एस होने के बारे में पता था। नैना एक्सप्लेन करती है कि लीच एक लेजेंडरी फ्लैश बैरन हीरो है और उसकी असल नंबर है 5700। मगर ओल्ड मैन कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि उसके सेकंड नंबर पे माइनस क्यों है। नैना को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता, मगर वो कहती है कि उसके नंबर माइनस होने के पीछे लड़कियों का हाथ है। डेबी से लड़ाई करते वक्त लीच जम करके ऊंचे आसमान में ही रुका हुआ था। वो हैना से इस वॉयलेशन के लिए माफी मांगता है। हैना बोलती है कि तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे और आज मैं तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी। लीच उसे वादा करता है कि आज वो एक साथ बैठ के उसके साथ खाना खाएगा और डेब से उसके नंबर को वापस भी दिला देगा। फिर वो मेटेरॉइड के स्पीड से डेब से टकरा जाता है। उसके बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और हम देखते हैं कि डेब बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। डेब को हराने के बाद लीच ने उसके नंबर निकाल के हैना के ऊपर लगा दिया था, जहाँ हैना के नंबर अब 760 हो जाते हैं। लीच उसके पास आकर खुश होते हुए कहता है कि देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर हैना अपनी माँ की बातों को याद करके बैलेट बाहर निकाल लेती है और रोते हुए बोलते है कि फाइनली 5 साल से लगातार ढूंढने के बाद अब मेरे को एक सच्चा लेजेंडरी एस मिल चुका है। तभी लीच उसके हाथ से बैलेट छीन लेता है और बोलता है कि मैं इस बैलेट को बेच के बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। हैना रोते हुए उसे ऐसे मत करो बोलती है, मगर लीच रूडली उसे इसके बदले ये डॉलर रखो बोल के वहाँ से चला जाता है। हैना बोलती है कि वो कोई अच्छा हीरो नहीं है। हैना विलेज में आने के बाद वो रोते हुए नैना से अपनी माँ की बैलेट के बारे में बोलती है और लीच ने मुझे इसके बदले अपना डॉल दिया बोलती है। हैना स्मेल करते हुए उस डॉल को सही से देखने के लिए बोलती है। तभी उसके हाथ में डॉल ब्लास्ट हो जाता है जिसके अंदर से सुंदर से फूल निकल रहे थे और उसका बैलेट भी डॉल के अंदर ही होता है। हैना उसे पूछती है कि लीच ने इस बैलेट को डॉल के अंदर क्यों रखा। नैना एक्सप्लेन करती है कि लीच कोई बुरा बंदा नहीं है, उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ बैलेट अपने पास रखना क्राइम माना जाता है, इससे तुम्हारी लाइफ को ही खतरा हो सकता है, इसीलिए लीच ने वहाँ तुम्हें सोल्जर से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। हैना को लीच की सारी बातें पता लगने के बाद वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। लीच उसे एक बैलगाड़ी में बैठा हुआ दिखता है। उसे देखकर हैना बोलती है कि वो अपने बचपन से ही अकेली रही है और तुम ही पहले ऐसे बंदे हो जिसने मुझे खुशी दिलाई। हैना उसे कहती है कि वो उसके साथ खुशी से रहना चाहती है, मगर लीच उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। तभी उसके पहले नंबर घट के -1000 हो जाते हैं। हैना पीछे से रोते हुए उसे रुकने के लिए बोलती है। वो उसे रुकने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी जब लीच सिटी को छोड़ के चला गया था। तभी वहाँ एक डेबी का सोल्जर हैना के पीछे आ जाता है। उस सोल्जर को पता चल जाता है कि लीच ने उसके बैलेट को वापस कर दिया है। हैना उसे देखकर डर जाती है। वो ये सोच रही थी कि वो उसे बदला लेने के लिए आया है, मगर वो सोल्जर बोलता है कि मुझे तुम्हारे बैलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लीच पे हूँ। फिर वो सोल्जर हैना को शुक्रिया अदा बोलता है, उसी की वजह से बहुत ही टाइम से लीच को ढूंढने के बाद फाइनली आज वो मिल गया है। जल्दी ही वो सोल्जर अपने असली कमांडो को लीच के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और कहता है कि मुझे वो फ्लैश बैरन हीरो मिल चुका है। देखने से ऐसा लग रहा है कि लीच की पास्ट में कुछ न कुछ तो हुआ है। वो हमेशा एक मास्क पहन के रखता है और वो अपने रियल पावर और अपनी रियल आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रखता था। अगर आपको इससे आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करना मत भूलना, तभी मैं इस एनिमे की सीरीज को आगे लेके जाऊंगा ताकि मुझे इस सीरीज को आगे बढ़ाने में थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।